आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। तेज खबर 24 में आज एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं कोरोना अपडेट रिपोर्ट के साथ। रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की चैन है कि टूटने का नाम ही ले रही है। हालात यह है कि पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन 300 से ऊपर कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वहीं मौतों का सिलसिला भी यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की देर शाम आई मेडिकल रिपोर्ट में जहां 4 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 327 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही सभी से एहतियात बरतने की अपील भी की है। आपको बता दें कि रीवा में कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है, उसमें से 3 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जबकि एक महिला सतना की थी जिसे कब्रिस्तान में दफन किया गया है। हम आपको बता दें कि जिले में लगातार 7 दिन से 300 से ऊपर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा चल रहा है, जिसके बाद जिले में अब तक संक्रमित हुए लोगों का यह आंकड़ा अब 8,000 के पार हो चुका है। बता दें कि गुरुवार को आई हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 1576 लोगों की जांच हुई, जिसमें से 327 मरीज कोरोना संक्रमित निकले हैं। अप्रैल में 3,704 मरीज मिल चुके हैं, वहीं पिछले एक हफ्ते के दौरान 315, 346, 349, 335, 333, 343 और 327 मरीज मिल चुके हैं। इस तरह से महज एक हफ्ते के भीतर जिले में 2,348 मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार की देर शाम आई मेडिकल रिपोर्ट में रीवा के शहरी क्षेत्र में अकेले 143 केस, गोविंदगढ़ में 27, नईगढ़ी में 13, गंगेयों में 15, रायपुर करचुलियान में 31, मऊगंज में 24, हनुमना में 17, जवा में 15, त्योथर में 14, सिरमौर में 28 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं प्रशासन ने इधर 1,000 बेडों के लिए 2 भवनों का भी अधिग्रहण कर लिया है, जिसमें पुलिस लाइन प्रशिक्षण शाला और सिंधु भवन शामिल है। तो यह थी रीवा जिले की कोरोना अपडेट रिपोर्ट, और इसी तरह की से हर खबरों से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।